और चलिए बड़ी खबर, नए साल में मौसम ने फिर करवट बदली है। दतिया में 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, खजुराहो में 8, शहडोल के कल्याणपुर में 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज तापमान किया गया है, रीवा में 8.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। सबसे अधिक और सबसे कम तापमान के चलते शहर दतिया अव्वल नंबर पर है। खजुराहो, नौगांव, निवाड़ी में भी, पृथ्वीपुर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ग्वालियर में 18.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है और नए साल में मौसम ने फिर करवट बदली है। कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है और सर्द हवा से मध्य प्रदेश छुट रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, और भोपाल में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी भी कम देखने को मिली है। भोपाल समेत जबलपुर, ग्वालियर समेत कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही मौसम का तापमान, मौसम का मिजाज बदला है। भोपाल में 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी दिखाई दे रही है और तस्वीर देखिए किस प्रकार से कम विजिबिलिटी के कारण, ये देखिए घना कोहरा, भोपाल में 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। भोपाल के अलावा कई शहरों में भी घना कोहरा देखने को मिला है। भोपाल में घने कोहरे के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल में मौसम ने करवट बदली है। मध्य प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। दतिया में 7.6, छतरपुर की नौगांव में 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, खजुराहो में 8, शहडोल के कल्याणपुर में 8.3 डिग्री और इसके अलावा बात की जाए रीवा की तो यहां पर 8.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। सबसे कम अधिकतम तापमान वाले शहरों में दतिया रहा, यहां पर सबसे ठंडा शहर रहा दतिया, खजुराहो में 13.4, नौगांव में 16.02, निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 17.01।